यूके की अगर बात करें तो इस मुल्क में गाड़ी की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना गाड़ी का, वो ऐसे ही है जैसे आपके पास आधी नेशनैलिटी आ गई है इस मुल्क की, होगा भाई ऐसे ही है। ठीक है, तो जिंदगी तो जी इस वीडियो में हम बात करते हैं गाड़ियों के बारे में। अब गाड़ी जो है इज़ अ बेसिक नीड इन एवरी कंट्री में ना, कहीं भी चले जाएँ आप कहीं भी चले जाएँ, गाड़ी जो है ना वो बेसिक नीड है। वो किस हिसाब से है? बिकॉज के सेल्फ कन्फिडेंस जो है ना वो बंदा कन्वीनियंट भी रहता है और आपको ये जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना धक्के भी नहीं खाने पड़ते, जलील भी नहीं होना पड़ता। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले एक साल से बसेस के ऊपर ट्रैवल करूँ, कई दफ़ा होता है कि बसेस की स्ट्राइक है, कई दफ़ा होता है कि बस डिले हो गई है, कई दफ़ा होता है कि जिस रूट पर मैंने जाना है उस रूट पर कोई बस ही नहीं है, तो फिर टैक्सी करवानी पड़ती है जो कि ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी अपनी कन्वीनियंस हो तो। ठीक है, तो इस मुल्क में यूके की अगर बात करें तो इस मुल्क में गाड़ी की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना गाड़ी का, वो ऐसे ही है जैसे आपके पास आधी नेशनैलिटी आ गई है इस मुल्क की, क्यों भाई ऐसे ही है। ठीक है, तो जिंदगी आपकी ना मतलब आप समझ लें कि यू आर हाफ वे टू सेटल डाउन अगर आपके पास इसका जो है ना गाड़ी का लाइसेंस आ गया हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस। और गाड़ी किस लिए ज़रूरी है, लाइसेंस किस लिए ज़रूरी है, अगर आप मोस्टली जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे इंडीड वगैरह पर, अगर आप लिंक्डइन पे या वर्क फाइंडर पे कहीं पे भी जो एजेंसी के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो उधर भी कई दफ़ा मोस्टली रिक्वायरमेंट दी होती है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो इसके अलावा अब मैं ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं ये हमजा भाई की गाड़ी है, ये हमजा भाई ने तकरीबन 3-4 माह पहले लिया है, हमजा भाई आपको इस गाड़ी की पूरी डिटेल MOT इंश्योरेंस और इसके बेनिफिट जो है ना वो आपको हमजा भाई बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। जी हमजा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ऐसे मैं बताता चलूँ कि गाड़ी होना के दो तीन फ़ायदे जो आपने बताए हैं उसमें से एक दो चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी होने से दो चीज़ें हो जाती हैं कि आप एक तो टाइम सेव कर लेते हो, दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी की जो रेशो है बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जैसे आपने मैंशन भी किया है कि ऑब्वियसली टाइम इज़ द मनी इन दिस केस। तो टाइम के हवाले से देखा जाए तो गाड़ी वाले बंदे को प्रेफरेंस दी जाती है हर जगह पे, चाहे वो सिक्योरिटी की जॉब हो, चाहे वो किसी और किसी भी जगह की जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो। ठीक है, और जैसे कि अभी हम डिलीवरीज़ कर रहे हैं तो डिलीवरीज़ के लिए भी गाड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली उस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास कोई शिफ्ट नहीं है, एज अ स्टूडेंट आप आए हुए हैं, एज एन यहाँ पे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जैसे भी हैं आप, मतलब आप टाइम सिर्फ एक तरीके से बचा सकते हैं कि आपके पास डिलीवरीज़ की ऐप हैं या आप टैक्सी कह रहे हैं, ऊबर कह रहे हैं, तो गाड़ी इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, आप मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। और दूसरी बात रही कि गाड़ी जी मैंने ली थी अराउंड 4 मंथ्स पहले, एक बहुत अच्छे हमारे जानने वाले भाई हैं जो नज़ाकत साहब हैं, यहीं के हैं वो, मतलब को 16 साल से यहाँ पे थे, उन्होंने वो खुद टैक्सी करते हैं लेकिन उनके पास घर में अपने घर के यूज़ के लिए गाड़ी खड़ी हुई थी, विशाल कोर्स है इसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन की के लिए माफ़ी क्योंकि मुझे आज तक इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आई, कुछ लोग वॉशल बोलते हैं विशाल बोलते हैं, खैर बड़े बड़े 6 मॉडल थी ये और 1.2 प्लेट थी इसकी। ठीक है, और पेट्रोल है और यहाँ पे इस कंट्री के अंदर ना गाड़ी दो तरह की होती है, डीजल की गाड़ी है और एक पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल गाड़ी जो है ना आप इन्होंने कुछ जोन्स रखे हुए हैं, जोन्स के अंदर आप गाड़ी वो ड्राइव, फ्रेश एयर जोन होते हैं, अगर आपकी डीजल वाली गाड़ी है ना आप फ्रेश एयर जोन में जा रहे हैं तो उसके आपको सेपरेटली पे करने पड़ेंगे, बिकॉज के वो जो डीजल होता है ना वो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पोल्यूट करता है, सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग्स। सो उसके वाले से पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा यहाँ पर चलती हैं और वो थोड़ी मतलब कंपेरेटिवली कॉस्टली भी होती हैं इस हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ी बहुत सस्ती मिल गई थी लकीली, और इसके मैंने रिव्यूज़ सुने हुए थे, काफ़ी बैड रिव्यूज़ थे लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसने उस रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा टाइम भी दिया है। मैं इस पर एक दो टूर भी मार चुका हूँ लिवरपूल का और एक दो और जगह का, सो विच मीन्स के फ्यूल कॉस्ट के हवाले से, ओवरऑल इंजन के हवाले से अच्छी गाड़ी है क्योंकि 100 साइड चली हुई थी इस वजह से। ठीक है, तो मैंने तब ली थी ये 250 pounds की अराउंड 4 months अगो, जब तब के हिसाब से, और खैर पाउंड की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बताऊँ तो मुझे कुछ 67 में पड़ी थी, लिटरली मुफ्त पड़ी थी। सो अब ये इतनी सस्ती है गाड़ी क्यों, गाड़ी इतनी सस्ती क्यों है, उसकी एक सबसे पहली वजह तो ये है कि इन्होंने सिस्टम इतना मज़े का बनाया हुआ है यहाँ पे कि जिस जो कि ऑब्वियसली अल्टरनेटली गवर्नमेंट को ही इसका फ़ायदा होता है, कस्टमर को तो जो यहाँ जो लोग यहाँ पे उनको तो फ़ायदा जो है सो है, लेकिन गवर्नमेंट अल्टरनेटली फ़ायदा लेती रहती है। यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम है, इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते यहाँ पर, इसके अलावा जो है वो रोड टैक्स सिस्टम है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस रोड कवर है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली डिटेल में हम जाएँ तो वो आप होपफुली इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि गाड़ी को रोड पे ले जाने के लिए सबसे पहले रोड टैक्स रिक्वायर्ड होता है। मेरी गाड़ी का रोड टैक्स जो था अराउंड 180 something pounds था
200 समथिंग सालाना, मुझे मंथली जो है कुछ 14 पाउंड पे करने पड़ते हैं इसके। आपने मंथली करवाया हुआ है? मैंने मंथली करवाया, मतलब आप मंथली भी पे कर सकते हैं और एनुअली भी एक दफा ही पे करके अपनी अटक दूर कर सकते हैं। सो अब मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन में थोड़ा पड़ेगा, लेकिन मेरा मंथली 14 पाउंड है तो आप लगा ले साल का कितना मंथ है। इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है, जैसे हम लोग स्टूडेंट आए थे तो हमने पहले इंटरनेशनल जो लाइसेंस था उस पर इंश्योरेंस करवाई थी, तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे हमेशा यहाँ पे इंश्योरेंस ज़्यादा आती है। इंश्योरेंस का ऑब्वियसली फायदे क्या होते हैं वो अगर उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन शॉर्टली बताता हूँ कि इंश्योरेंस का ये फायदा होता है कि जब आप इंश्योर्ड होते हैं रोड के ऊपर तो आप खुदा ना खास्ता किसी से लग जाते हैं, कोई आपसे लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है अल्लाह ना करे किसी के साथ, तो वो आप सिक्योर होते हैं, आपकी जो कवर वगैरह होता है ना डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी आप ली होती है। दो तरह की इंश्योरेंस होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड पार्टी। सो अब करवानी कौन सी चाहिए इन दोनों इंश्योरेंस में, अगर न्यू बंदा आ रहा है तो उसके लिए कौन सी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बेस्ट होती है? थर्ड पार्टी का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव चूंकि मैंने खुद भी करवाई है उसमें ये होता है कि आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव करवाते हैं ना तो उसमें आपका गाड़ी का आपका खुद का इंश्योर हो जाता है। आप किसी और की गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप इंश्योर होते हैं, आप तो आप का जो भी डैमेज होता है उस बंदे की गाड़ी का डैमेज होता है। सो इसमें डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं, वो जो है ना स्लोली जब आप इसको स्टडी करते हैं आपको पता चल जाएगा, लेकिन कंप्रीहेंसिव जो है ना ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। ठीक है। फिर रोड टैक्स ऑब्वियसली और पे करना ही करना है, रोड टैक्स के बगैर आप गाड़ी अगर रोड पे लेकर निकलते हैं और पता चल जाता है तो आपको अराउंड 1000 पाउंड फाइन है। आई थिंक रोड के ऊपर पार्क वगैरह भी नहीं कर सकते, पार्क भी नहीं कर सकते हैं रोड साइड पे, क्योंकि होता इस तरह है कि रात को लोग ना अपने घर के बिल्कुल सामने ही पार्क करके, इस तरह ही होता ना उधर पार्क कर देते हैं, अगर आपका रोड टैक्स भी नहीं है उधर भी नहीं पार्क कर सकते, और तो पार्किंग तो बाद की बात है, चला भी नहीं सकते आप। एग्जैक्टली। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो गाड़ी के लिए रिक्वायर्ड हैं, आपका रोड टैक्स, आपकी इंश्योरेंस, और नॉर्मली अगर आप मोटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक मोटर वे कवर होता है जो कि सेपरेट है, यू हैव टू पे दैट एज वेल, बिकॉज अगर आप मोटर वे पर भी कहीं स्टॉप कर लेते हैं गाड़ी और वहाँ पे आपका मोटर वे कवर नहीं है तो एक तो आपको उसका ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा को अराउंड 500 मोटर वे से गाड़ी निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ये पिकअप वाले होते हैं आके आपको ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो होता ये है कि अगर आपका अल्लाह ना करे कहीं भी ड्यूरिंग ट्रैवल आपकी गाड़ी को कोई इशू हो गया, आपकी गाड़ी मतलब अब आप फर्दर चलाने के काबिल नहीं है या आप चलाना नहीं चाहते या कोई भी फॉल्ट एक आ गया, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप वो ये इंश्योरेंस कवर क्या करती है कि आप अपनी गाड़ी उधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो आपकी जो गाड़ी है उसको पिकअप करते हैं, अगर वो आप कहें उनको कि इसको गैराज में ले जाएं तो गैराज में ले जाएंगे, अगर वो आप कहें कि जी इसको घर ड्रॉप ऑफ कर दे तो वो घर भी ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। इस इंश्योरेंस के सिर्फ ये बेनिफिट होता है। यस कंफर्म। और वो बजी इतना कॉस्ट नहीं होती है, अराउंड 10 पाउंड 12 पाउंड आपकी ओवरऑल इंश्योरेंस में ऐड कर देते हैं, व्हिच इज वेरी गुड। मतलब एनुअली कुछ एनुअली और कुछ इंश्योरेंसेस नहीं, मतलब मंथली, आई एम सेइंग मंथली, सॉरी, कुछ इंश्योरेंसेज में ये होता है कि इस रोड कवर की अगर मैं बात करूँ या मोटरवे कवर की बात करूँ तो वो एक इंश्योरेंस का बीच में पार्ट है कि आप अगर वो उसके में 5 पाउंड एक्स्ट्रा होते हैं अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो वो आपको अल्टरनेटिव 3 दिन के लिए गाड़ी भी देते हैं। सपोज मैं अगर स्कॉटलैंड में और मेरी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई और मैंने कवर लिया हुआ है, दे विल गिव मी द कार सो आई कैन ड्राइव 3 डेज के लिए, उसमें पेट्रोल तो मुझे खुद डालना पड़ेगा लेकिन गाड़ी वो देंगे, और उस सारे टाइम के अंदर वो मेरी गाड़ी को जहाँ भी मैंने कहूँगा वहाँ पे उसको ड्रॉप भी करेंगे, और दैन 3 दिन के बाद मैं उनकी गाड़ी उनको वापस कर दूँगा। खैर ये ऑब्वियसली ये थोड़ी और चीज़ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ना, जितना मतलब जितनी एक्सपेंसिव होती जाएगी वही चीज़ है। खैर हमजा भाई, जनरली एक ये बताएं कि एवरेज गाड़ी इस मुल्क में कितने की मिल जाती है? सो एवरेज आपको खैर 250 की तो बहुत रेयरली मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट, ये तो लकीली मतलब आप कहेंगे आपको चलने की हालत में 250 में गाड़ी मिल जाए, जैसे क्रैप यार्ड की गाड़ियाँ होती हैं जो 250 पाउंड में मिलती हैं, लेकिन 400 से लेके 1000 पाउंड तक आपको अगर आप गाड़ी अच्छी कहीं से ढूंढ लेते हैं सो आपको मतलब ये आपको चलने के लिए गाड़ी 400 तक स्टूडेंट लाइफ के लिए आपको मिल सकती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, देन ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड में आपको आइडिया हो जाता है रोड्स वगैरह का और आप एक और गाड़ी लेने के मतलब ऑब्वियसली काबिल भी हो जाते हैं। और मतलब ये डिपेंड करता ना कि आपने अपने शौक पूरे करने हैं या आपने अपनी नीड पूरी करनी है। बिल्कुल, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो ऑब्वियसली वो 250 वाली भी महंगी है, और अगर आप काम के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 1000 पाउंड की भी लेंगे तो आपके लिए वो कुछ ठीक है। एक्चुअली में अगर आप देखें, आप कहते हैं जी मैंने मर्सिडीज लेनी है, मैंने BM लेनी है, इस तरह के शौक आपने पूरे करने हैं, तो वो गाड़ी आपको मिलेगी तकरीबन 3000 में 4000 में इस तरह मिलेगी। लेकिन अगर आपने सेल्फ यूज पर्सनल यूज के लिए लेनी है, सिर्फ गुजारा करना है, इधर से उधर जाना है, उधर से वापस आना है, ये जॉब्स करनी है, तो इस तरह की गाड़ी जो है ना वो नॉर्मली रेंज आपको मिल जाएगी फ्रॉम मैं कहूँगा कि 600 से लेके ना 1400-1500 तक आपको अच्छी हालत में आपके नीड के मुताबिक गाड़ी मिल जाएगी, जिस जो आपको मतलब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करवाएगी, इंजन का ज़्यादा काम नहीं होगा, पेट्रोल कंजम्पशन पूरी पूरी होगी और मतलब के इंटीरियर वगैरह थोड़ा सा ठीक होगा, यही चीज़ें होती है ना हम। ठीक है,
और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड अप करना चाहें, वरना इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब ऑब्वियसली गाड़ी का ओवरऑल एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ पोलाइटली, जो आप अगर तो डिलीवरीज कर रहे हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिलीवरीज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको गाड़ी की माइलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक अराउंड फिगर आपको बता देता हूँ कि अगर मैं दिन में कोई 12 घंटे डिलीवरी करता हूँ और मैं इस कार के साथ जो है मेरा जो अगर मैं वीकेंड्स पे करूँ और मैं 100 पाउंड तक अर्निंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा कोई 15-20 पाउंड का एक्सपेंस आ जाता है। डिपेंड ऑन कि मैं गाड़ी को डिलीवरी को किस तरह चूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली डिलीवरी जब बंदा करता है तो उसको पता चलता है कहीं पे आपको खाली भी जाना पड़ता है एरियाज़ के अंदर, कुछ जगह पे वापस भी आना पड़ता है खाली आपको, सो वो थोड़ा फ्यूल की रेशो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन 20 पाउंड एस्टिमेटेडली आपका एक डे का खर्चा आ जाता है 100 पाउंड की अर्निंग के पीछे। इसके अलावा और आप गाड़ी रखने का इतना एक्सपेंस नहीं है। बेसिक इंश्योरेंस ये है, इंश्योरेंस डिपेंड करती है, किसी की ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है। इंटरनेशनल लाइसेंस पे ज़्यादा है, नॉर्मल यूके लाइसेंस पे थोड़ी कम है, और ये बेसिक चीज़ें हैं और यूज़ आप हर जगह कर सकते हैं ऑब्वियसली गाड़ी को। बिल्कुल जिस तरह सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी की शिफ्ट्स अगर आती हैं तो आप वो गाड़ी वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, और गाड़ी वाले को अगर वो प्रेफरेंस देते हैं तो साथ वो उसके फ्यूल की कॉस्ट भी उसको पे करते हैं। वो इस तरह से हो जाता है ना, ऐसे कि डिपेंड करता है साइड किस तरह की। अगर साइड पर 3-4 लोग जा रहे हैं तो वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ कंपनीज बेयर करती हैं, कुछ कंपनीज कहती हैं कि जो आपको हम 7 बंदे दे रहे हैं उनसे फ्यूल कॉस्ट ले लें, ठीक है, वही हो जाता है। मतलब देखें, एक अगर गाड़ी का आपको सिर्फ तब फ़ायदा है जब आप इस गाड़ी से अर्निंग कर रहे हैं, अदरवाइज आप अगर आपने गाड़ी सिर्फ वैसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए लेनी है ना, तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आपका, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से कमा रहे हैं, आपको ये गाड़ी पैसे दे रही है, तो फिर ये 100% वर्थी है, ठीक है। तो होपफुली आपको गाड़ियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा क्या। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, हाँ, और साइड साथ में जो बैठा होगा उसके लिए भी, क्योंकि इधर जो अगर क्या कहते हैं इसको फाइन होगा ना, तो वो इसको नहीं होगा, वो मुझे होगा, क्योंकि मैं साथ बैठा हूँ और मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो चलें फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।